हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। साल के पहले महीने में गुरुग्राम से जिला उपायुक्त अमित खत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मसलों पर जानकारी दी। डीसी ने साफ कर दिया कि अवैध कॉलोनियों को शहर में कहीं भी पनपने नहीं दिया जाएगा। नए साल में प्रशासन लगता है जनता को शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहता, शायद इसीलिए जिला उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम पब्लिक के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। डीसी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 2020 नागरिक सहूलतों का साल रहेगा, जिसमें सरकारी दफ्तरों में अपने काम को लेकर आने वाली जनता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दिशा में बताएं, वो हमारे अपने ऑफिसेज में, एसडीएम ऑफिसेज में या डिफरेंट हमारे जितने भी पब्लिक डीलिंग के पॉइंट्स है जहाँ पे जनता का डेली आना जाना रहता है, उसमें उनको सहूलियत रहे, कोई परेशानी ना रहे। डीसी ने गांव में बढ़ रही आबादी पर ध्यान देते हुए बताया कि इसके लिए लाल डोरी की जमीन को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भी अब कार्यरत है काफी समय से, कई गांव उन्होंने अडॉप्ट किए हैं और स्मार्ट ग्राम अथॉरिटी के तहत इन टाई अप विद प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन एंड अदर मेनी की कॉर्पोरेट्स एंड एनजीओस कई गांव इन्होंने परस्यू कर रहे हैं। तो मैं आपके द्वारा चाहूंगा, इनफैक्ट एक इंडिपेंडेंट ऑडिट भी आप भी विजिट करके देखिए कितनी इफेक्टिवनेस है, क्या कुछ हम बेहतर। साइबर सिटी में अवैध कॉलोनियों के बिछते जाल को लेकर आशंकित डीसी ने साफ कर दिया कि जिन स्थानों पर अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं उन्हें हटाया जा रहा है और विभाग की तरफ से ना बसने का बोर्ड भी लगाया जा रहा है। डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को आश्वस्त किया कि उन्हें धरातल पर सुशासन मिलेगा, लेकिन प्रशासन के दावों की पोल खोलने की खबर तो आए दिन मीडिया को मिल ही जाती है। इससे सवाल यही उठ रहा है कि जिला उपायुक्त के दावे किस हद तक हकीकत में तब्दील होते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से मनोज विशिष्ट की रिपोर्ट।